वो बात की एक एक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार सभी से अनुरोध है कि खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। सभी साथियों से मात्र शक्ति से अनुरोध है कि अपनी जगह पे खड़े होकर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ताड़ियों की गड़गड़ाहट से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। नजफगढ़ की पावन धरती पर, दिल्ली इतिहास की पावन धरती पर पुष्कर सिंह धामी जी का पूरी जनता की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता पार्टी नजफगढ़ क्षेत्र के दिल्ली इतिहास के नेता भाई संदीप चौगिल जी भी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। पगड़ी बांधकर हमारे आज के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का पगड़ी बांधकर स्वागत करें। भारत माता की दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। केदार के पुनर्निर्माण का काम, बाबा केदार को भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम किसी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, किसी के नेतृत्व में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान आने वाले सालों में आप लोग जब बद्रीनाथ जाएंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, एक साल बाद हमने दिसंबर 2023 तक केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण और मास्टर प्लान का लक्ष्य रखा है कि हम सारे काम पूरे कर देंगे। ये काम हमारा 2023 तक पूरा हो जाएगा और आने वाले समय में केदारनाथ की यात्रा आप सब लोग रोपवे से, केबल कार से जा पाएंगे। गोरीकुंड से केदारनाथ तक जाने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा, आने वाले समय में वहां रोपवे बन जाएगा। यह भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी हमारी पिछले माह की उनकी यात्रा में संपन्न हो गया है। कैलाश मानसरोवर जाएगी, वह यात्रा भी आने वाले समय में सड़क मार्ग से संपन्न होगी। आप दिल्ली से जाएंगे और सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर पहुंचे, यहाँ से आप देहरादून जाएंगे तो आपको हवाई जहाज का टिकट नहीं लेना पड़ेगा, अब हवाई जहाज से नहीं जाएंगे, क्योंकि हवाई जहाज से जाएंगे तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे। आने वाले समय में आपको ऋषिकेश जाना हो, आपको देहरादून जाना हो, आपको हरिद्वार जाना हो, आपको मसूरी जाना हो, तो आपको मात्र 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि एलिवेटेड रोड बन रही है, जल्दी ही वो रोड कंप्लीट हो जाएगी। जो हमने कभी सोचा नहीं था वो काम हो गया। हमें दिल्ली आया तो दिल्ली के चुनाव में जब मैं पहले दिन आया तो मुझे यह जानकारी नहीं थी कि दिल्ली की सरकार ने जो मोदी जी ने गरीबों के लिए, देश के हर नागरिक के लिए उन्होंने एक योजना शुरू करी, आयुष्मान भारत योजना, और वो योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली स्कीम। उस योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज हर व्यक्ति का फ्री में करवाया जाता है। सरकार उसकी गारंटी देती है कि 5 लाख रुपए तक का एक साल में जितना भी इलाज कराना होगा वो सरकार कराएगी। उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी अधिकृत किया गया है, उनके पैनल बनाए गए हैं। उत्तराखंड में 7 लाख लोगों ने अभी तक इस योजना का लाभ ले लिया है, इस योजना से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लिया है। मैंने सोचा कि दिल्ली में तो यहाँ तो कई लाखों लोगों ने इस योजना का लाभ उठा लिया होगा, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल। जब मैंने बाद में पता किया तो दिल्ली में तो यह योजना लागू ही नहीं करी केजरीवाल जी ने,
वो कहते तो है कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। अरे भाई ये कैसा गरीबों के लिए काम कर रहा है? मोदी जी जो योजना दे रहे हैं, मोदी जी देश की जनता के लिए दे रहे हैं, पूरा देश उसको लागू कर रहा है और दिल्ली उसको लागू ही नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से आज ही हमारी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र दिया है कि आने वाले समय में जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास झुग्गी झोपड़ी है, जिनके पास पक्के घर नहीं है, उन सभी को पक्का मकान दिया जाएगा और 50,00,000 लोगों को मकान दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं एक सैनिक का पुत्र हूं और मैंने बचपन से लड़ाई लगते हुए देखा है कि फौज में जब लड़ाई लगती है तो क्या होता है, कैसे घरों का माहौल बनता है। कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई लगती थी, कोई आतंकवादियों के साथ लड़ाई होती थी, जिहादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ, हमको हमेशा भरोसा होता था कि हमारी सेना इनको नेस्तनाबूत कर देगी, क्योंकि सेना का जो इतिहास हमारा वो हमेशा शौर्य और पराक्रम का इतिहास रहा है। लेकिन जब जब चीन के साथ युद्ध की बात आती थी तो हमारे मन में थोड़ा संदेह पैदा होता था कि अब क्या होगा। सेना पर कोई संदेह नहीं था क्योंकि सेना हमारी विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से रही है। लेकिन अगर नेतृत्व मजबूत नहीं होता है तो 1962 से लेकर गलवान की घाटी में हुए युद्ध और जिस युद्ध में हमारे भारत के सैनिकों ने चीन की सेना के साथ फट्टे कर दिए और एक इतिहास बना दिया। क्योंकि आज हमारे पास जहां सेना हमारी हमेशा से मजबूत रही, वहीं हमारे पास आज विश्वव्यापी नेतृत्व भी है मोदी जी के रूप में। पहले हमारे सेना के लोगों पर कहीं से अगर गोली चलती थी तो उस गोली का जवाब देने के लिए कई महीनों महीनों तक पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब गोली का जवाब नहीं देना पड़ता है, गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है। पुष्कर जी का धन्यवाद और अभिवादन। रानी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुष्कर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।